उत्तराखंड से खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस ने आश्चर्य जताया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासौनी ने कहा है कि बीजेपी को महेंद्र भट्ट में क्या दिखा कि उन्होंने उनको राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया, क्योंकि महेंद्र भट्ट विधानसभा में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है। पार्टी के विभिन्न पदों पर अपने आप को साबित किया है और हमारे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में जब जब विधानसभा के चुनाव हुए उन राज्यों में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उनको जो काम सौंपा गया उसमें पूरी तरह से वो सफल निकले और उसी का इनाम आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को केंद्रीय नेतृत्व दिया गया है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का है क्योंकि वहाँ काम करते और अपना तन मन धन न्योछावर करते हुए तो दूसरे लोग सालों साल से दिखाई पड़ रहे हैं। 40-40 साल से लोग जो है वहाँ दरी बिछा रहे हैं, कुर्सी लगा रहे हैं और अपना सब कुछ लुटवा रहे हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी आप शोभायमान करते हैं और आप राज्यसभा सांसद के रूप में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कौन से चार चांद नजर आते हैं महेंद्र भट्ट में। हाँ, एक काम में सिद्धार्थ जरूर है और शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोग्यता ही सबसे बड़ी योग्यता है व्यक्ति में। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी की गई 15 राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम भी शामिल है। भाजपा के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है, लिहाजा उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा था कि अनिल बलूनी को पार्टी राज्यसभा का एक और कार्यकाल दे सकती है, लेकिन पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। अपने राष्ट्र नेतृत्व का, अपने राष्ट्र आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी और सरकारी दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो जो भी काम मेरे लायक होगा उसको मैं निष्ठा से करने का प्रयास करूँगा। अपने उत्तराखंड राज्य के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उत्तराखंड राज्य से वो राज्यसभा जाने वाले हैं। अपने राज्य के कर्मठ, पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता, संघर्ष से निकले हुए और संगठन को बहुत मजबूती प्रदान करने का काम उन्होंने किया है। ऐसे अपने महेंद्र भट्ट जी को केंद्र नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के लिए नामित किया है। मैं अपने केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बद्रीनाथ धाम के श्री कपाट खुलने की तिथि को तय करने की वैदिक प्रक्रिया के तहत जोशी मठ के नरसिंह मंदिर से पूजा अर्चना के बाद पवित्र गाड़ू घड़ी कलश पांडु नगरी के योग बद्री पांडु के ईश्वर मंदिर पहुंची, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सैकड़ों लोगों ने पवित्र गाड़ू घड़ी तेल कलश का स्वागत किया। धार्मिक रस्म के तहत जोशी मठ से योग बद्री पांडु के ईश्वर पहुंचे। इस पवित्र तेल कलश को नरसिंह मंदिर स्थित भंडार से डिमरी पंचायत के प्रतिनिधि को सौंपा गया। तो भगवान के गाड़ू घड़ा प्रस्थान से शुरू की जाती है और आज इसका प्रथम पड़ाव कल शाम को पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर में था और आज ये यहाँ से प्रस्थान करके डिम्बर के लिए जाएंगे और वहाँ से डिम्बर से हम कल नरेंद्र नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस तरीके से ये कार्यक्रम जब नरेंद्र नगर गाड़ू घड़ा पहुँचेगा तो इस वर्ष की जो यात्रा काल की तिथि है वो घोषित की जाएगी बसंत पंचमी के दिन। और उसी दिन हमारे यहाँ एक पर्व और मनाया जाता है, गाड़ू घड़े का जो तेल पिरोने की तिथि है वो भी इसके साथ साथ घोषित की जाती है। और डिम्बर गांव में 106 वर्ष से जो रामलीला चली आ रही है उसकी तिथि भी बसंत पंचमी के दिन घोषित की जाती है। ये सारा कार्यक्रम एक साथ संपादित किया जाता है।
लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है। वहीं यूथ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड में काम कर रही है। वहीं युवा कांग्रेस प्रभारी शिवी चौहान ने आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बात करते हुए बताया कि यूथ कांग्रेस लगातार कई कार्यक्रम कर रही है। जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके हर घर तक हमें पहुंचना है। हमारा टारगेट ये है कि प्रत्येक घर तक हम पहुंचे, एक घर भी हमारा नहीं छूटे। हल्द्वानी का गांधीनगर इलाका जो कि बनभूलपुरा से सटा हुआ है, इस हिंसा के बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं। वहां रह रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने इस तरह का मंजर कभी नहीं देखा। 8 फरवरी गुरुवार की शाम को आग की लपटें, गोलियों की आवाज़ ने उन्हें डर के साए में डाल दिया। अभी भी कर्फ्यू क्षेत्र से सटे इलाकों में निवासरत लोगों में डर है। हालांकि इस इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मंजर के हिसाब से जो सीएम साहब ने जो ऑर्डर दिए हैं शूट एंड साइड के, जो अतिक्रमण की कार्रवाई चली रही पूरे उत्तराखंड में और जिनको बाधा डालने में इन्होंने बाधा डाली मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, तो जो ऑर्डर दिए हैं सीएम साहब ने उसको देख के तो माहौल भी शांति है। बाकी जिस दिन 8 तारीख की घटना थी वो तो बहुत बड़ी भयभीत और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। यहाँ का माहौल हमारे पुलिस कर्मी हमारे ये सब सेवा में लगे हुए हैं और रातों में हमको नींदें नहीं आती है। इनके वजह से काफ़ी हमें तसल्ली है हमारी बहू बेटियों को यहाँ पे, और काफ़ी हम लोग डरे हुए लोग हैं, बाहर अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा काफ़ी लगी हुई यहाँ पे, और इनके वजह से हम काफ़ी लोग सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे रात में बाहर नहीं निकल रहे हैं, दिन में नहीं जाते हैं, कहीं आना जाना बंद है। मैं जो कि अतिक्रमण का अभियान पूरे शहर में चल रहा था और हल्द्वानी मेन रोड और हमारा ये जो हीरा अपना होली ग्राउंड है इसको भी अतिक्रमण के दौरान ध्वस्त किया गया। इसके साथ साथ ही लालडांट चौराहा है वहाँ पर एक बड़ा अतिक्रमण हटाया गया। इसी अतिक्रमण के क्रम में जब बनभूलपुरा क्षेत्र में ये अतिक्रमण हटाने कार्रवाई करने निगम की टीम पहुंची तो वहां पर सब लोगों ने मिल करके, वहां के कुछ उपद्रवी तत्वों ने मिल करके भारी भरकम मात्रा में एक सुनियोजित तरीके से पथराव किया। सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए और उसके साथ साथ ही जो हमारे निगम के लोग गए थे वहाँ उनको भी घेर करके उनको जलाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट रविवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बीती 8 फरवरी गुरुवार के दिन बनभूलपुरा के मालिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हुए पथराव और उसके बाद हुए उपद्रव व दंगे में घायल पुलिस कर्मचारी, पत्रकारों व निगम कर्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कभी भी हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं घटित हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सौहार्द बिगाड़ा गया है। हम लोग बहुत मिलजुल के यहाँ रहते हैं। मैं तो आज भी सबसे अपील करता हूँ कि जो अपराधी होता है उसकी न कोई जाति होती है न धर्म होता है, इसलिए कहीं पर भी आपसी सौहार्द को हमको बिगाड़ना नहीं है। हम लोगों को मिलजुल के अपना काम करना है। जिन्होंने भी सौहार्द बिगाड़ा है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पथराव किया है, पेट्रोल बम फेंकना कोई अच्छी बात है, कोई ना कोई तो तैयारी थी। जो भी लोग होंगे कानून अपना काम कर रहा है।